आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी और सुपर डिलीशियस करेले की सब्जी। जी हाँ, ये देखने में जितना सुंदर लग रहा है खाने में भी उतना ही सुंदर लगता है। और सबसे बड़ी बात कि इसे हम इस तरह से बनाएंगे कि बच्चे भी इसे बहुत अच्छे से खाएंगे। तो वेलकम गाइस, मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो करेले की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है आधा किलो के लगभग करेला। उसको हमें गोल गोल बारीक काट लेना है, पतला काटना है गाइस। उसके बाद हमें इसमें थोड़ा नमक और हल्दी मिला करके और थोड़ी देर पानी में छोड़ देना है। पानी में छोड़ने से होगा ये कि ये करेला का जो कड़वाहट है वो हट जाएगा और करेला काफ़ी क्रिस्पी और टेस्टी भी बनेगा। तो थोड़ी देर हमें पानी में छोड़ देने के बाद हमें करेले को गार करके अच्छे से निचोड़ करके पानी निकाल लेना है और पैन में हमें सिर्फ करेला को फ्राई करना है। थोड़ा हमें करेला को फ्राई करना है जिससे करेला का कलर चेंज हो। उसके बाद हम करेला को निकाल लेंगे प्लेट में। सारे करेले को प्लेट में निकालने के बाद हम पैन में डालेंगे तेल, उसमें थोड़ा मेथी और थोड़ा सौंफ और जीरा का फोड़न डाल के हम यहाँ डाल देंगे अपने प्याज। मैंने दो प्याज का यहाँ यूज़ किया था। प्याज को एकदम फाइन चॉप्ड कर लेना है आपको। और प्याज हल्का भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची, थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट, आप यहाँ लहसुन को कूट के भी डाल सकती हैं। उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद थोड़ा नमक हल्दी डाल के हमें प्याज को थोड़ा सा सॉटे करना है और उसके बाद हमने जो करेला अपना डाला था, फ्राई किया था, वो उसे डाल देना है। और करेला डालने के बाद हमें इसमें डालने हैं कुछ मसाले, जैसे मैंने जीरा पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी। और सभी मसाले को अच्छे से मिला देने के बाद हमें इसे कुछ देर ढक के पकाना है। हमें अच्छी तरह से ढक देना है और कुछ देर के बाद ये खुद अपना कलर इतना सुंदर आ जाएगा करेले में। और जब हमारा करेला में इस तरह से क्रिस्पीपन आ जाए तो हमें इसे निकाल लेना है और गर्मा गर्म इसे सर्व करिए। इसे रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, खाने में बहुत अच्छी लगती है गाइस। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।